हेलो फ्रेंड्स, डोंट कन्फ्यूज़ योर सेल्फ एनी मोर। जब आप यूज़ करते हो एबिलिटी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को, तो अपने आप को कन्फ्यूज़ करना बंद कीजिए। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी डिफरेंट टर्म्स हैं। कैसे हम जानेंगे? एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी मीन्स क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग एबल और हैविंग पावर टू परफॉर्म। कुछ करने के जब आप योग्य बन जाते हो, कुछ आप स्किल हासिल कर लेते हो, ठीक है, क्वालिटी वाइज, तो उसको क्या बोलते हैं? एबिलिटी। आपको कुछ करने की योग्यता प्राप्त हो चुकी है, राइट। कैपेसिटी क्या है? कुछ करने की आप में वो हिम्मत है कि आप वो काम कर सकते हो, ठीक है। वो आपके कुछ ट्रेट्स दिखा रहे होते हैं कि आप ये कर सकते हो। कैपेसिटी वो होती है। कैपेसिटी इज़ द पावर ऑफ रिसीविंग एंड होल्डिंग, कि कुछ आप प्राप्त कर सकते हो और उसको आगे होल्ड करके भी रख सकते हो। जिस चीज़ को आपने प्राप्त कर सकते हो उसको होल्ड करके भी रख सकते हो आगे तक, तो वो कैपेसिटी होती है। वो कैसे? ये भी होता है कि कैपेसिटी इनबॉर्न होती है। कैपेसिटी जो होती है वो इनबॉर्न होती है, मतलब कि जन्म से ही वो आप में वो चीज़ होती है, वो कैपेसिटी होती है। बट एबिलिटी जो होती है वो हम अक्वायर करते हैं। अक्वायर करना मतलब सीखना या लर्न करना, ठीक है। लर्न करना या अक्वायर करना मतलब आप उस चीज़ को सीख सकते हो बाद में, ठीक है। कैपेसिटी तो होती है जो आप में इनबॉर्न है, ठीक है, और एबिलिटी होती है जो आप हासिल कर सकते हो वक्त रहते अपनी ज़िंदगी में, किसी से सीख के या किसी कैसे भी अपनी मेहनत से या सीख के आप उसको हासिल कर सकते हो, वो एबिलिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्ड माइट बी बॉर्न विद द कैपेसिटी टू बिकम अ सिंगर। जैसे कोई बच्चा है, वो जन्म से उसकी इतनी मधुर आवाज़ है कि आप सोचते हो कि यार ये सिंगर बहुत अच्छा बन सकता है। वो बच्चा, उसकी आवाज़ बहुत सुरीली है, तो वो सिंगर बनने लायक है। तो वो लायक होना क्या है? उसकी कैपेसिटी है। पर जब अगर उसने सिंगर बनना है तो उसके लिए उसको सीखना पड़ेगा ना, उसको रियाज करना पड़ेगा, कोई गुरु धारण करना पड़ेगा और उस गुरु से वो सीखेगा। तब जब वो सीखेगा तो उसमें एबिलिटी आएगी। जब वो सीख जाने की उसमें वो कला आ जाएगी तो वो एबल हो जाएगा गाने के, तो उसमें गाने की एबिलिटी आ जाएगी। तो कैपेसिटी तो है, सिर्फ उसके पास आवाज़ है, मधुर आवाज़ है, वो गा सकता है, वो सिंगर बन सकता है। पर वो गाएगा कब? जब वो एक अच्छी स्किल किसी से सीख लेगा, गाना गाना सीख लेगा, तो वो उसकी एबिलिटी बन जाएगी। आप उस कैपेसिटी को एबिलिटी में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट, कैपेसिटी आल्सो रिलेट्स टू वॉल्यूम। कैपेसिटी ये भी बताती है कि कितनी मात्रा में उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, या क्वांटिटी कितनी मात्रा, राइट। तो जैसे कि इसको हम कैपेसिटी को ऐसे भी यूज़ करते हैं, जैसे कि किसी की कार, कोई कार है, उसकी फ्यूल कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना फ्यूल आ सकता है, कितना वो भर सकता है फ्यूल उसमें, तो वो तो उसकी कैपेसिटी है ना, तो होल्ड करने की कितनी वो वॉल्यूम या क्वांटिटी में फ्यूल उसमें आप भर सकते हो। तो लाइक किसी कार की जो क्वांटिटी है, कार की जो कैपेसिटी है, वो 160 गैलन है कि वो उतना फ्यूल उसमें आप भर सकते हो। तो कैपेसिटी एक मेजरमेंट है ना व्हीकल की, होल्ड करने की फ्यूल को, कितना फ्यूल उसमें जा सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी को हम ऐसे भी यूज़ करते हैं एज मतलब यू कैन रिलेट इट टू द वॉल्यूम, किसी चीज़ के, किसी चीज़ में कितनी मात्रा भर सकती है या आ सकती है, ठीक है, वो उसकी कैपेसिटी है। लास्ट क्या है? कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी जो है वो एक्सट्रीम्स ऑफ एबिलिटी है। एबिलिटी के आगे कैपेबिलिटी आती है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से देखेंगे। फॉर इंस्टेंस, इफ़ वी से दैट रिया हैज़ एबिलिटी टू राइट वेल, रिया में अच्छा लिखने की एबिलिटी है, वो उसने सीखा है तो वो अच्छा लिख सकती है, तो क्या अब उसका सुपरवाइज़र उससे पूछेगा? हर सुपरवाइज़र माइट आस्क हर वेदर शी हैज़ कैपेबिलिटी टू राइट एन आर्टिकल ऑफ 12 पेजेस इन अ डे और बाय टुमारो। देखो, उसमें लिखने की ताकत तो है, पर अब उसका सुपरवाइज़र उसे पूछेगा कि क्या वो एक दिन में या कल तक 12 पेज लिख सकती है एक आर्टिकल के, तो उसकी कैपेबिलिटी जानी जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी से एबिलिटी बनती है और एबिलिटी के बाद कैपेबिलिटी बनती है, तो ये इनमें फ़र्क है। आई होप आपको ये फ़र्क जो है, जो लोग कंफ्यूज करते हैं इन वर्ड्स को, तो वो आपको कुछ, आई थिंक आपने कुछ सीखा होगा।
सो थैंक यू.